लाइट बन रही है उसका कितनी खर्च हो रही है, कितनी बनाई जा रही है। अच्छा अच्छा, इस लाइट का सिस्टम है, लाइट का सिस्टम बना दिया, देख लो जी। ठीक है, सिलेंडर विलेंडर कुछ नहीं है, आप देख लो। ये होता है किसान का दिमाग, ये देख लो जी। वाह जी, कमाल हो गया जी, कमाल। ये देख लो, गोबर से बिजली भी, चक्की भी और गैस भी, ये चल गई। कि कौन डॉक्टर बढ़िया है, क्या है, कहाँ जाए, कैसे जाए। सही बात, मेरा 20 आदमी का परिवार है, सुखी जीवन जी रहा हूँ। सही है, वो सब स्वस्थ हैं, सब स्वस्थ हैं। किसी को कोई रुकी और रुत के जुकाम बुखार हो जाते हैं, इनसे कुछ नहीं है, सबको होते हैं, पर मेरे घर में कोई डेली दवा न खाता। सही बात। चलो भाई, ये कर दिया जी ताऊ जी ने कमाल। ये देख लो, ये चल रहा है जी गोबर से, ये पाइप है जी, ये पाइप गोबर से चल रहा है जी। देख लो, ये पाइप है गोबर के गैस से, इंजन चल रहा है, और देख लो आटा भी पीसा जा रहा है। ये देख लो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। ये देख लो, दोस्तों मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान भाई ठाकुर गोपाल सिंह जी से। उन्होंने क्या है ना, ये जो आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये गांव है बावेन, राजस्थान के जिले भरतपुर का एक छोटा सा गाँव है। और इस गाँव की खास बात ये है, यहाँ पर पैदा हुए है हमारे गोपाल जी। और गोपाल जी ने इतने छोटे से गाँव से वैज्ञानिक भी फेल कर दिए हैं। कैसे फेल कर दिए हैं, इनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी, गोबर से बिजली भी बनाते हैं, आटा चक्की भी चलाते हैं, गैस भी चलाते हैं। और मतलब ये जो आप देख सकते हैं ना, ये सरसों है बिना यूरिया खाद की, डाई की, और ये सरसों है डाई और यूरिया खाद की। ज्यादा जानकारी के लिए गोपाल सर से आपकी बात करवा देते हैं। ठाकुर गोपाल सिंह, गाँव बावेन, जिला भरतपुर, तहसील कुम्हेर से हूँ। अच्छा, किसान हूँ, किसान के घर जन्म हुआ है, अनपढ़ किसान हूँ। अनपढ़ किसान हूँ, एक क्लास भी नहीं पढ़ी। हाँ, रामायण से ही सीखा है, जो कुछ पढ़ना सीखा है, बाकी स्कूल नहीं देखा है। अच्छा अच्छा, हमने सुना है आपने यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, इस टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी आपको? यहाँ बिजली नहीं है क्या भाई? चलिए थोड़ा चलते चलते बातें करते हैं जी। आपत्ति ही आविष्कार की जननी है। सही बात है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की, सबसे पहली। अच्छा अच्छा, और दूसरी समस्या आए अपने, ये जो जैविक, ये जो सुनते थे हम, ये जो गाय आजकल कष्ट पा रही हैं, गायें अपने नंदी हैं, इनकी ये दो समस्या बड़ी प्रबल थी जी। अब हमारे यहाँ आप देख रहे हो, ये फार्म पॉइंट बनवाया है। हाँ, यहाँ कड़वा पानी है, खारी है, कड़वा है और तेलिया है। तेलिया पानी है। से एक बार फसल में, खेत में एक बार पानी देने के बाद में जी, जो धूप घास है, डाब जिसको कहते हैं, वो भी जल जाती है, झाड़ भी जल जाते हैं। अच्छा जी, इतना खतरनाक पानी है। खतरनाक पानी है। अच्छा जी, अब मैं 2005 से यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आज यहाँ पीने के लिए पानी है, वर्षा का पानी रिचार्ज करता हूँ इसमें। अच्छा अच्छा, स्रोत में स्टॉक करके जी, और अपना ये खेती भी हो रही है, उससे मेरी गाय भी पल रही है। अच्छा अच्छा, मेरा शौक है गाय पालने का, देसी किस्म। देसी, कितनी गाय है आपके पास? मेरे पास करीब गोवंश होंगे 35-40 के एवरेज में। अच्छा जी, इस समय मौजूद। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, इसके जो गोबर से बिजली बनाते हैं सर? गोबर से भी है, और आदमी का जो मल है, जैसे गंदगी है, उस सबसे हम ये बिजली बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजली है नहीं। नहीं, यहाँ बिजली का कोई लट्ठा तार कहीं से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। चलिए, ये जंगल है। ये आपके दिमाग में आइडिया था जी, कैसे आया था? किसने बताया था इसके बारे में? आइडिया आया था ऐसे कि जैसे मैं बिजली के लिए परेशान था, बिजली चाहिए थी मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो गांव में तो बिजली थी, लेकिन गांव में उस समय पे जब मेरे बच्चे पढ़ने योग्य थे, उस समय वो डैग, ये रिकॉर्ड वगैरह, ये जो बजते थे जी जी, तो हवेली पुराने जमाने की है अपनी, उसमें सारे गांव की आवाज उसमें गूंजती थी, बच्चों को बड़ी समस्या होती। अच्छा अच्छा, पढ़ने में जी जी। तो बिजली के लिए भाग दौड़ कर रहा था मैं जी जी। नहीं, कुछ नहीं कहेगा जी। तो होता ये है कि मैं जैसे गांव में आया कुम्हेर से, तहसील कुम्हेर गया था मैं, वहाँ पर डे जाना, साइकिल से आना। सही, कोई 100 रुपये ले लेता, 200 रुपये ले लेता। एक दिन 2-3 महीने घुमाने फिराने के बाद उन्होंने मुझसे कहा जी, चलो भागो, कि आपको करीबन 80,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। 80,000 रुपये, उसके 5 साल बाद आपको बिजली मिलेगी। अच्छा जी,
तो 80,000 रुपए जमा करने के बाद भी 5 साल हाँ, बाद बिजली मिलेगी। कुछ डिमांड नोटिस वगैरह कुछ ऐसा बताया उन्होंने। जी जी जी। तो मैं जैसे गांव में आया तो गांव में एक वो लगी थी पाठशाला किसानों की। जी जी। सरसों अनुसंधान केंद्र जी सेवर भरतपुर से। जी जी जी। DRMR से जी। तो यहाँ डॉक्टर अशोक शर्मा के सानिध्य में वो लगी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो डॉक्टर अशोक शर्मा जी हैं वो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं इसके हमारे जी DRMR। जी जी। तो मैं उन्होंने मैं ऐसे समय पर आके पहुंचा कि उन्होंने कहा उसी समय उनका कहना हुआ कि भाई किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। जी। तो मैंने उनसे कहा भाई मेरी समस्या तो ये है। अच्छा अच्छा। बिजली की समस्या है, अगर मुझे किसी हिसाब से बच्चों के पढ़ाई के लिए अगर लाइट मिल जाए तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। सही बात। मैंने आप बीती बताई तो उन्होंने मुझे सांत्वना दिलाई। उसके बाद फिर मैं बुलाया वहाँ गया सेवर DRMR ऑफिस पहुँचा पूछते पाछते। उन्होंने एक नंबर दिया मुझे। अच्छा अच्छा। दिल्ली में थे वो डॉक्टर दवास JP दवास। हाँ दवास जी हैं। दवास जी। तो उनको मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन करते ही उन्होंने मुझे कंट्रोल कर लिया। अच्छा अच्छा। कंट्रोल ऐसा कर लिया कि उन्होंने मुझसे कहा कि तू भाई ऐसा कर तू मेटेरियल इकट्ठा कर ले। तो मैंने मेटेरियल जो बताया वो ली। जी। 17 महीने इंतजार किया मैंने। जी। कारीगर इसके जो मिस्त्री बनाने वाले थे वो हमारे आसपास नहीं थे। नालंदा से उनको बुलाया गया उन्होंने भेजा। जी। तो एक दिन अचानक हमारे पास सूचना आई फोन आया उनका कि भरतपुर वो मिस्त्री खड़े हुए हैं। जी। तो मैं ट्रैक्टर लेके गया उनको लेके आया उन्होंने ये बनाया। जी। तो ये था मेरे दिमाग में करीब 1980 से। अच्छा अच्छा। देवरा बाबा है वृंदावन में उनकी सेवा में था मैं बैलों की सेवा। जी जी जी। तो उस सेवा में था उस समय एक पुस्तक मिली मुझे उसका शीर्षक था गौ। जी। बहुत वो 1816 की छपी हुई। जी जी। बहुत पुरानी पुस्तक थी बाबा के आश्रम में मिली मैं सेवा में था। जी। तो उसको पढ़ के मैंने जो आज ये है यहाँ वो उस समय मैंने पढ़ा कि गोबर से क्या हो सकता है गाय से क्या हो सकता है। जी। तो वो मिस्त्री आए उन्होंने बनाया बनाते समय उनसे मैं उनकी खोपड़ी खुरचता रहा भाई इससे क्या हो सकता है क्या कर रहा है हम से कैसे से करेंगे से क्या करेंगे बाहर के आदमी हैं। तो उन लोगों ने बताया कि इससे रेल भी चल सकती है हवाई जहाज भी चल सकता है। सही बात। एक मिथिलेश करके मिस्त्री था नालंदा का बिहार से तो उसने मुझे बताया तो मैं तो दिमाग में उसको फिट करता गया। सही बात। कड़ी बाई कड़ी उसको जोड़ के हमने और फिर इस गैस को बनाया तो वो जब हमारी ये गैस बन गई टैंक तैयार हो गया इससे गैस निकलने लगी हमने भर दिया फोन से ही काम हुआ हमने शक्ल नहीं देखी JP दवास जी। अच्छा अच्छा अच्छा। फोन से ही अपना बहुत ही बढ़िया इंसान है किसानों की हर टाइम सेवा में तत्पर रहते हैं। वो इंसान नहीं है वो तो मसीहा है। मसीहा है जी। इंसान तो हम जैसे तमाम फिर रहे हैं इंसान तो वो हैं वो तो मसीहा हैं आज के। सही बात। तो हमने इससे चूल्हा चालू कर दिया। चूल्हा चालू कर दिया। चलिए दिखाइए हमें दिखाइए। हाँ उसके साथ जी 7 महीने बाद वो टीम लेके आए हमारे। अच्छा अच्छा। गैस चालू होने के 7 महीने बाद तो बड़े खुश हुए थे। सही बात। TV चैनल वाले लाए DD वो नेशनल चैनल था जी उस पर उन्होंने अपना वो सारा सिस्टम दिखाया। इससे धीरे धीरे अब देखो पहले हमने चूल्हा चलाया उसके बाद देखो आज हमारी लाइट भी चल रही है। जी जी। ये तो ये देख लो भाइयों ये बताओ जी कैसे काम करता है हमारे थोड़े किसान भाइयों को बताइए आप। ये देख लो मौज उधर से लाओ जी। ये देख लो किसान भाई हम आपको दिखाते हैं गोबर से लाइट बिजली आटा चक्की कैसे चल रही है ताऊ जी बताएंगे जी। ये देखो ये टैंक है। अच्छा टैंक है। ये टैंक है 10 घन मीटर का बायोगैस। अच्छा 10 घन मीटर का टैंक है जी। इसमें ये 2 सीटें लगी हुई हैं। जी जी जी। तो उसमें करीब हम 10-15 आदमी 15-20 आदमी हैं वो यहाँ सोच जाते हैं। जी जी जी। इससे ये 10 घन मीटर का टैंक है इधर इसका ओवरलेट है ये खेतों में जो काम आता है। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। तो इससे क्या है हमने ये इसमें
इंजन के लिए दे रखी है। अच्छा, देखो ये पाइप जा रहा है वहाँ तक दिखा दो। हाँ जी हाँ जी, वो जा ये पाइप जा रहा है। अब देखो इंजन में कैसे चल रहा है जी, ये देख लो जी, ये पाइप जा रहा है। वीडियो बहुत ही दमदार है, पूरी देखना। ये देख लो जी, बहुत ही बेहतरीन। ये पाइप आके यहाँ ठहरा है जी, टैंक। ये फिल्टर है अपना देसी। हाँ जी हाँ जी, ये पानी वगैरह जैसे गैस में कोई लीक सी इस बोतल में रख के इसको यहाँ लिया है। ये आ गया फिल्टर यहाँ पे। हाँ जी, ये यहाँ से शहर में इसका कनेक्शन है। अच्छा अच्छा, ये इससे इंजन चलता है। 10% 8-10% डीजल लेता है बस, 8%, बाकी ये गैस से चलता है। ये इसका कंट्रोलर है, बाल्व है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सब बाल्व है। ये लाइट बता रहा है कितनी लाइट बन रही है, उसका कितनी खर्च हो रही है, कितनी बनाई जा रही है। अच्छा अच्छा, ये इस लाइट का सिस्टम है। लाइट का सिस्टम बना दिया। देख लो जी, यहाँ पे आटा पिस रहा है ये देख लो। और ये बिजली से नहीं है, गाय के मूत्र से, मान सकते हैं आप गोबर से, गोबर से चल रही है। आदमी के मल से चल रहा है ये तो बिल्कुल। हाँ, आदमी के मल से और गाय के मल से, देख लो। इसको बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। बहुत बढ़िया जी, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। बिजली का झंझट खत्म कर दिया ताऊ जी ने। ताऊ जी गैस और आगे क्या प्रोग्राम है करते हैं उसके? गैस से देखो, आओ बताओ। हाँ, गैस का दिखाओ आप हमें। ये देख लो जी, ये गोबर, ये पाइप है पीछे, इसलिए तो बिजली तो बना ही रहा है। हाँ जी हाँ जी, पीछे बोरिंग लगी हुई है, इससे ये पानी आ रहा है इसमें डालने के लिए। अच्छा अच्छा, ये गोबर इसमें डाल के और जैसे ये अपना ये है, इसको हिला देते हैं, ये सही बात। चक्का बना हुआ है, इससे घुमा के घोल बन जाता है। अच्छा जी, घोल बनाने के बाद इसको ये टैंक में चला जाता है। ये सिस्टम है इसका। ये यहाँ से बहुत ही बढ़िया टैंक में चला जाता है। ये टैंक है 10 घन मीटर, ये 10 घन मीटर का टैंक है। हाँ अच्छा, इसमें ताऊजी कितनी जरूरत, ये कितने गोबर की जरूरत पड़ती है डेली? इसमें 3 क्विंटल गोबर पर डे चाहिए। पर डे? और कितनी गैस बनती है? गैस ये 8 घंटे आराम से अपना खर्चा। ये हमारी 40-35-40 गाय, इनके लिए खाना पानी और अपनी सिंचाई। 25 बीघा जमीन की सिंचाई मैंने इसी से की। आपके पास जमीन 25 बीघा है? यहाँ 25 बीघा है जमीन। अच्छा, तो मेरे पास 60 बीघा है। अच्छा अच्छा, लेकिन और वहाँ दूर है, बगीचा है उसमें। सही बात है। और ये खेती है, सरसों वगैरह सब। तो हमारे किसान भाइयों क्या कहना चाहेंगे? आपको पता होगा बीच में क्या है ना, सरकार ने इसमें बहुत मदद की थी किसानों की। हाँ। धीरे धीरे गोबर गैस प्लांट बंद हो गए, क्या कारण रहा? कारण था तकनीकी, तकनीक, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। अब सबकी फट रही है तकनीक से। गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का है जी। अब देखो उस समय पे जब ये आज से करीब 30-32 साल पहले ये गवर्नमेंट ने अनुदानित बनाए थे जी जी जी, हर गांव में हर घर में। हाँ। तो वो लोगों ने बनवा लिए, बनवाने के बाद उसकी तकनीकी कारीगर नहीं थे हमारे। और फिर वो हमारे देश की जो पद्धति भोड़ी थी थोड़ी, कोई ऐसा नहीं निकला कि इसमें सुधार करके इसको आगे बढ़ाया जाए। जी जी, तो मैं धीरे धीरे पंचनगर में बहुत बने हुए हैं, ये बहुत मॉडल बने हुए हैं, करीब 55-56 मॉडल संवारे। सही बात। उन सबको देख के मैं, गवर्नमेंट के खर्चा पे गवर्नमेंट ले गई मुझे जी, सब कुछ देख के वहाँ से मैंने ये फिर इसको शॉर्ट कर करके जी, सबको शॉर्ट कर करके मैंने फिर ये तकनीकी निकाली है। तो देखो ये यहाँ से ये किचन के लिए जा रहा है, ये किचन के लिए जा रहा है। देख लो भाई, गैस चला के भी आपको दिखाएंगे। ठीक है ताऊ जी, हमारे अनपढ़ किसान हैं लेकिन इनके सामने वैज्ञानिक भी फेल है। क्यों कह रहा हूँ, एक छोटे से गांव में रह के ताऊ जी ने बिजली भी फ्री कर ली सारी और गैस का झंझट भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अपना भी सारा काम होता है, इन गायों का भी सारा काम होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कुट्टी भी काटते हैं जी, देख लो। देखो यहाँ से वो बिजली वहाँ बना रहा है जनरेटर। हाँ जी, वो बिजली बना रहा है जी। हाँ, इधर से ये पाइप अंडरग्राउंड आ रहा है, अंडरग्राउंड पाइप आ गया जी। हाँ, यहाँ से ये लाइट यहाँ होती बेहतरीन, इसको वितरित किया जाता है। पीछे जा रही है ये अपने बोरिंग लगी हुई है जी जी जी। इधर ये चारा कुट्टी है, मोटर रखी हुई है, इसी से अपना कुट्टी भी कटती है, कुट्टी कटती है और सिंचाई भी होती है, सिंचाई भी होती है। ठीक है, सिलेंडर वलेंडर कुछ नहीं है, आप देख लो। ये होता है किसान का दिमाग, ये देख लो जी। वाह जी, कमाल हो गया जी, कमाल। ये देख लो, गोबर से बिजली भी, चक्की भी और गैस भी, ये चल गई। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बेहतरीन। ताऊ जी सारा काम इसी पे कर लेते हो? सब कुछ इसी, ये कर ही रहा है, मेरा जीवन ही इसी में है, गोबर से ही चल रहा हूँ। अब हमें आप ये बताओ, जो किसान भाई बोलते हैं गैस महंगी हो गई, सर पकड़ के बैठे हैं, सरकार ने भी गोबर मतलब खत्म ही कर दिया किसानों का, तो क्या कहना चाहोगे? देखो
किसान का और पशु का मेल है। जी बिल्कुल सही बात है। गाय एक ऐसी चीज है हमारी कि ये हमें बैल भी देती है, दूध भी देती है और खाद भी देती है। सही बात। इसके मूत्र में से मैंने करीब 14 तरह के टॉनिक बना रखे खेती के लिए। जी आज मैं करीब 2 लाख रुपए का खर्चा बचा रहा हूँ एक साल में। हाँ, इसका बिजली का और गैस का, बिजली का और डीजल का। हाँ, डीजल का, खाद का, बिजली का। कोई जगह कमर टूट रही है हमारी। हाँ, या तो बिजली या डीजल, या डीजल। और सबसे ज्यादा महंगी हो गई सिलेंडर, खाद, सिलेंडर, सब कुछ महंगा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक है। सही। आज हम डॉक्टर खोजते फिरते हैं कि कौन डॉक्टर बढ़िया है, क्या है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। सही बात। मेरा 20 आदमी का परिवार है, सुखी जीवन जी रहा हूँ। सही है। सब स्वस्थ हैं। सब स्वस्थ हैं। किसी को कोई रुकी और रुत के जुकाम बुखार हो जाते हैं, इनसे कुछ नहीं है, सबको होते हैं। पर मेरे घर में कोई डेली दवा न खाता। सही बात। सब खुश रहते हैं। 20 आदमी सबसे। हाँ, 20 आदमी। लड़के क्या करते हैं? लड़के एक तो ये गौशाला संभालता है सबसे बड़ा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उससे छोटा है वो बागवानी संभालता है, मतलब सब खेती में लगाया, नौकरी वोकरी के लिए। एक है वो चोरी करके हमसे छुप के, और वो जोधपुर विद्युत मंडल में चोरी करके हमसे छुप के जाके वो नौकर हो गया। नौकर क्या कमाता है, गिरवी रख गया पूरी जिंदगी, गिरवी है। अरे किसान है हमारे पास, धरती माँ है, कृषि प्रधान देश है अपना। किसान से बड़ा राजा कोई ना था, ना होगा, ना हो सकता है, कोई सवाल ही नहीं है। किसान ही है अपना देश, ही कृषि प्रधान देश है। सही बात। कृषि को थका देंगे, बच्चों को, सबकी नीयत ये है कि पढ़ के नौकर जाओ, नौकर हो। अरे 20 साल का नौकर होगा, 80 साल का बेकार हो जाएगा, उसको हमें देंगे, वो क्या कर पाएगा जब वो यहाँ आएगा? एक पीढ़ी उसको पहचानती नहीं है, गांव वाली पहचानने से इनकार कर देती है। मेरा है किसान के बच्चे को तो इस सर्विस की तरफ नजर नहीं करनी चाहिए। आपने किसानी पर ध्यान दें। किसानी पर थोड़ी जमीन हो, मजदूरी कर ले। अच्छा, आजकल क्या है, जमीन बेचने का भी ढैया चल रहा है पूरा। ये तो ये जमीन बेचने का जो है, ये सिर्फ ये जो आबकारी विभाग है इसलिए चला दिया। अच्छा अच्छा। ये इसकी देन है आबकारी, शराब की देन है जो आज हमारी जमीन बिक रही है। क्योंकि शराब ऐसी चीज है कि इसको पी के आदमी कुछ भी कर सकता है। आपके परिवार में कोई नशा नहीं? हमारे कुछ नहीं, खाता है तो कोई, मैं ही भांग खाता हूँ कभी जब। अच्छा, भांग खाते वो भी अपने हाथ से घोट के। सही बात। कभी जब, मतलब ऐसे शराब वराब कुछ नहीं? अरे राम, शराब का हमारा शराब का क्या मेल है? हम मेहनत, खून पसीने की कमाई है इसमें, उस कड़वी चीज को पियेंगे। दूध पीते है ना, मेरे पास दूध होता है, 1 मन 1.5 मन 2 मन। उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र कम से कम मानो 5352 का जन्म है मेरा, 70 के आसपास मानो। 70 साल की उम्र है, बिल्कुल अभी भी नौजवान पट्टे लग रहे, कोई दिक्कत नहीं लग रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारे दिन काम करता हूँ। सही बात है। देख लो जी, 70 साल की उम्र है और ये देन है जैविक खाने पीने की और शुद्ध वातावरण में रहने की। ये देख लो, गाय की देन है, ये जो है गाय की देन है, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब गाय का है। गाय का। मेरी माँ टीवी की पेशेंट थी। अच्छा अच्छा। दूध नहीं था जी, तो गाय के नीचे ही मुझे पाला। सही बात। तो मैंने जब होश संभाला, मेरी आंखें खुली, तब मैंने केवल गाय को देखा। आज भी मैं गाय के थन से मुंह लगा के दूध पीता हूँ। सही बात। आज भी मेरा रिकॉर्ड है, जब आता हूँ गौशाला पे धार काटने के, जब दूध दोहने के समय पे, तो मैं दूध जरूर पी के जाता हूँ गाय के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताऊ जी, आपने इतना कीमती समय दिया।